भी है, बहुत बढ़िया आपने कहा हाँ कि उन्होंने जो कहा कि भारतीय संविधान, हाँ अरे भारतीय संविधान की ये बदौलत है कि एक जो गरीब आदमी, चाय बनाने वाला आदमी, एक देश का प्रधानमंत्री है। आज संविधान नहीं होता तो आज महिलाएं सुरक्षित नहीं होती, आज संविधान नहीं होता तो आज दलितों को आरक्षण नहीं मिलता, आज अगर संविधान नहीं होता तो इस समानता का भाव आज समाज में नहीं होता। इसलिए भाई साहब ने बहुत बढ़िया कहा है, हम मजबूत भी हैं, मजबूत भी हैं, उसका कारण सिर्फ संविधान है। मजबूर नहीं है लेकिन आप मजबूर नहीं है, मजबूर नहीं है, नहीं है। जी 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 मैं जी जी जनाब जी प्रतीक भाई जी, ये देश न तो 370 से ही जिंदा रहेगा और न किसी के डराने से ही जिंदा रहेगा। तो डरा कौन रहा है ये मैं जानना चाहता हूँ। अरे सुनिए तो, कोई न डरा रहा है न कोई डरने वाला है। कुछ हम लोग सच्चाई पे भी तो बात करेंगे। अरे तो यहाँ की जनता 5 दिन पानी से त्रस्त होती है, यहाँ क्राइम बढ़ता है, यहाँ भाजपा भी सरकार में रहती है, बहुजन विकास अघाड़ी भी रहता है, जनता की आवाज कौन सुनता है? चुनाव आया तो सब जनता की बात करते हैं, चुनाव खत्म हो गया तो जाके यहाँ के लोग जब विधायक बहुजन विकास अघाड़ी के चुनते हैं तो सरकार तो भाजपा में समर्थन होता है, तो जनता क्या करे? पहले तो ये भी होना चाहिए ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, आप जवाब दीजिए जी। देखिए 30 वर्षों से यहाँ पे लोकतंत्र था ही नहीं, एक ही पार्टी नहीं था लोकतंत्र। नाला सोपारा विरार वसई में क्या बात कर रहे हैं आप? अरे ये 30 साल में महाराष्ट्र गवर्नमेंट में तो भाजपा बैठी थी, अगर यहाँ इतना इतना अन्याय था, इतना शासन नहीं था तो भाजपा क्या कर रही थी? शिवसेना क्या कर रही है सर? यहाँ पर जो 30 सालों का नाम ले रहे हैं ना, उसमें से 15 साल यहाँ भाई साहब सिंह साहब बैठे हैं, अपने कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने समर्थन दिया हुआ था, यहाँ पे सभी भाई लोग बैठे, लोकतंत्र था क्या यहाँ पे? यहाँ पे लोकतंत्र बिल्कुल नहीं था, अब लोकतंत्र पैदा हुआ है। ये सिर बहानेबाजी है, मैं आ रहा हूँ, आप प्लीज मुझे कहने दीजिए। बिल्कुल आप कहिए। 30 साल से यहाँ लोकतंत्र नहीं था, एक ही आदमी का एक छत्र राज्य था। एक काम करिए, एक काम करिए, एक काम करिए, अरे जोर से पूछिए क्या, जरा इतना पानी ले आइए, एक काम करिए जरा, और इतना पानी ले आइए जाके, जरा कौन जाएगा लेने, कौन जाएगा लेने, जल्दी जवाब दो, कौन जाएगा लेने? हाँ जी जी जी, जाएगी ताकि डूबे लोग। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ की इलेक्ट्रिक बिल है, जो कि यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, 1000 आता है, 2500-3000। मैं आता हूँ आपके पास, आप खड़े होइए, मैं ये चुल्लू भर पानी लीजिए और मुझे इसमें डुबो के मार दीजिए, मुझे डुबा दीजिए सर। क्या है आप कहते थे? और आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, इस बात आदमी के इसके ऊपर तरस आ रहा है। बैठ जाइए चुपचाप, वहां जाके चुपचाप बैठ जाइए। ये जनाब रुकिए, खड़े होइए, एक मिनट प्लीज, ये कोई बढ़िया, सारे लोग बढ़िए, मजाक मत समझिएगा इसको। पानी मांगे दिया, मैंने पानी मांगा जनता से, नेता से नहीं मांगा, डूब मरिए। बात ऐसी है, इस आदमी पे भी तरस आता है, हमारे 30 साल के राज में बोलता है कुछ नहीं हुआ, दबंग आई थी तो हमारा राज्य सरकार किधर था, हमारा केंद्र सरकार किधर था, यहाँ घटना के कॉन्स्टिट्यूशन के बात की वो किधर थी, अभी जो ऑफिसर आया है वो भी यहाँ का कानून का बात करता है, वो कहाँ था? ऐसा नहीं होता है। सवाल पूछा इन्होंने, वसई विरार में इन्होंने बोला राज्य सरकार कहाँ थी, राज्य सरकार तो इनके जंगे से जंगे मिलाकर बैठी थी 15 साल कौन? अभी के बीजेपी की सरकार भी थी, हमारे जेब में थी, बोलता है हमने सपोर्ट दिया था, तो अभी किधर थे 5 साल में? क्या बिल्कुल बिल्कुल, ये जंगे से जंगे लगाकर बैठे थे 15 साल कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ, सारे कांग्रेस राष्ट्रवादी के पापों में ये भी सहभागी रहे। मैं एक बात कहना चाहूंगा, इनकी सरकार थी ना, इनका समर्थन था ना, अरे तो लोकसभा में पहले भाजपा से क्यों हारे, उसके बाद अब बाद में शिवसेना से उपचुनाव में क्यों हारे, और अब विधानसभा में भी हारेंगे, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी यहाँ से लोकसभा में हम लोग एक आदमी है इसलिए नहीं आया। पिछले 30 साल से लगातार हम विधानसभा में चुन के आ रहे हैं, हमारे लोग ये चाहते हैं कि राज्य का नेतृत्व राज्य में हम लोग करें। हमारे आमदार ने हर 5 साल में एक पानी का स्कीम किया है, मुझे यहाँ हर 10 साल में हमारी आबादी दुगने होती है, उस सभी आदमी के लिए सुविधा देने का प्रयास किया है। बाकी कहाँ भी हमारे जो इस राज्य के मुख्यमंत्री थे और भी मंत्री होते,
वहाँ भी पानी का अकाल है। मराठवाड़ा में आज भी पानी नहीं मिल रहा है, टैंकरों से पानी जा रहा है। और बाढ़ की बात करते हैं, हमारे चमोली जैसे उत्तराखंड में पहाड़ पे भी बाढ़ आता है, कुदरत के आगे कोई बड़ा नहीं होता है। कितने टाइम में कितना बारिश होता है उसके ऊपर बाढ़ की स्थिति आती है। हमारे अमेरिका में भी बाढ़ है, हमारे रशिया में भी बाढ़ है। लेकिन एक सर, आई एक्सेप्ट योर, बिल्कुल, जब पटना में बाढ़ आ सकती है और डूब सकता है तो यहाँ भी आ सकती है। मैं आपसे एक बात, लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, बिल्कुल पूछना चाहता हूँ। हर आदमी यहाँ कहता है कि ठाकुर साहब से सब डर लगता है, सबको डर लगता है।